हर काशीवासी के सामने एक सवाल उठा रहा हूं, आखिर वो कौन सी मानसिकता है जिसके चलते पहले काशी को विकास से वंचित रखा गया। मैं देश के 1 लाख ऐसे नौजवानों को राजनीति में लाऊंगा जिनके परिवार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये भारत की राजनीति की दिशा बदलने वाला अभियान है, ये भ्रष्टाचार और परिवारवादी मानसिकता को मिटाने का अभियान है। मैं हर काशीवासी के सामने एक सवाल उठा रहा हूं, आखिर वो कौन सी मानसिकता है जिसके चलते पहले काशी को विकास से वंचित रखा गया। 10 साल पहले की स्थिति याद करिए, बनारस को विकास के लिए तरसाया जाता था। जिन लोगों ने यूपी में लंबे समय तक सरकारें चलाई, जो लोग दिल्ली में दशकों तक सरकार में बैठे रहे, उन्होंने कभी बनारस की परवाह क्यों नहीं की? इसका जवाब है परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ऐसे दलों के लिए बनारस का विकास न पहला प्राथमिकता में था, न भविष्य में कभी होगा। इन दलों ने विकास में भी भेदभाव किया, जबकि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलती है। हमारी सरकार किसी योजना में भेदभाव नहीं करती। हम जो कहते हैं वो डंके की चोट पर करके दिखाते हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा। आज अयोध्या में हर रोज लाखों लोग रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण की बात भी बरसों से लटकी रही थी, यह ऐतिहासिक काम भी हमारी सरकार ने पूरा किया है। 3 तलाक की कुरीति से कितने ही परिवार पीड़ित थे, मुस्लिम बेटियों को इससे मुक्ति दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया। ये भाजपा सरकार ही है जिसने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। ये भाजपा सरकार है, एनडीए सरकार ही है जिसने बिना किसी का हक छीने गरीबों को 10% आरक्षण दिया। साथियों, हमने अपना काम किया, नेक नियत से नीतियां लागू की, ईमानदारी से देश के हर परिवार का जीवन बदलने का प्रयास किया, इसलिए देश भी हमें लगातार आशीर्वाद दे रहा है। अभी हरियाणा में हमने देखा है कि कैसे वहां 3री बार लगातार भाजपा की सरकार बनी है। जम्मू कश्मीर में भी भाजपा को रिकॉर्ड वोट मिले हैं। साथियों, आज भारत के सामने परिवारवादी राजनीति का भी बहुत बड़ा खतरा है। ये परिवारवादी सबसे ज्यादा नुकसान देश के युवाओं को करते हैं। ये कभी भी युवाओं को मौका देने में विश्वास नहीं करते। इसलिए मैंने लाल किले से एक आह्वान किया है, मैं देश के 1 लाख ऐसे नौजवानों को राजनीति में लाऊंगा जिनके परिवार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये भारत की राजनीति की दिशा बदलने वाला अभियान है, ये भ्रष्टाचार और परिवारवादी मानसिकता को मिटाने का अभियान है। ये काशी के, उत्तर प्रदेश के नौजवानों से भी कहूंगा कि आप खुले मन से नई राजनीति की धुरी बने। काशी का सांसद होने के नाते मैं यहां के नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा आगे लाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। साथियों, काशी का ये मंच एक बार फिर पूरे देश के नए विकास प्रतिमानों का आरंभ स्थल बना है। काशी एक बार फिर राष्ट्र को नई गति देने का साक्षी बनी है। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन।
जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।